ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक और नई ताज़ा वीडियो में। यह वीडियो आप सभी कर्ण राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप लोगों के जीवन में दो बड़े बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही आवश्यक होने वाली है। बहुत ही सारी आपके जीवन में खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है। आज आपको बताएंगे कि आने वाला चार दिनों का दिन कैसा होने वाला है, जो कि 9, 10, 11, 12 सितंबर का समय कैसा रहेगा, जो कि आपको प्राप्त होने वाली है। परंतु आपको समय के साथ अपने आपको बदलना पड़ सकता है। समय के साथ आपको दैनिक दिनचर्या में लाभ की प्राप्ति हो सकती है। जमीन जायदाद लेने का मौका मिल सकता है, घर बनाने का मौका मिल सकता है, पान कार इत्यादि अपने शान शौकत में बढ़ोतरी करने के मौके प्राप्त होने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, आप लोगों को जीवन में बताना चाहेंगे कि आपका लकी नंबर, लकी कलर कौन सा रहेगा, कौन सा कार्य क्षेत्रों में लाभ हो सकते हैं, कौन सी महत्वपूर्ण सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता रह सकती है, जो कि आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। तो वीडियो के लगातार अंत तक देखिएगा। उससे पहले इस वीडियो को कोई सभी पार्ट अगर आपको अच्छा लग जाए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा लगा दीजिएगा। तो दोस्तों, आज बृहस्पति के चंद्र राशि से नवमी भाव में स्थित होने के कारण यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। इस दौरान आप प्रत्येक कार्य को पूरी शक्ति के साथ करने का प्रयास कर सकते हैं, एक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई भी बीमारी पहले से चली आ रही थी तो आज के दिन इस दौरान आपको उनमें पूरी तरह से मुक्ति मिलने के योग बन रहे हैं। अगर आप सूझबूझ से कार्य करते हैं तो यह समय अतिरिक्त धन कमा सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको सही निर्णय को, रणनीति को बनाने और उसी अनुसार कार्य करने की जरूरत होंगे। इस बात को आपको भलीभांति समझने की जरूरत रहने वाली है कि हर इंसान के जीवन में बुरा दौर आता है, इसलिए पारिवारिक जीवन में पुरानी परिस्थितियाँ आपके पक्ष में नहीं हैं तो आपको उन्हें और अधिक खराब होने की जगह धैर्य बनाकर अच्छे से चलने की प्रतीक्षा करने की जरूरत रहेगी। सातवें भाव में शनि के स्थित होने के कारण यह समय आप लोगों को जीवन में किसी के साथ नई परियोजनाएं या पार्टनरशिप के व्यवसाय को शुरू करने से बचाना होगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि यह समय आप बिना दूर के सोचे कोई ऐसा निर्णय को ले सकते हैं जिसके कारण आपको भविष्य में नुकसान उठाना पड़ेगा। आपकी राशि के कई जातक पिछली गलतियों से सीख ना लेते हुए पुनः उन्हें दोहराने का कार्य कर सकते हैं, जिसके कारण उन्हें शिक्षाओं के क्षेत्र में बहुत ही प्रतिकूल परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसे में इस बात को याद रखें कि असफल होकर भी आप बहुत ही कुछ सीखते हैं। प्रतिदिन 19 बार ओम भास्कराहे नमः का जाप करना जीवन में आपको सफलता प्रदान करने की स्थिति बना सकता है। दिल से आप अपने संगी को खुश करने की कोशिश इस दौरान नजर करते नजर आ सकते हैं। किसी तीसरे शख्स की वजह से यदि आप दोनों के बीच दूरियाँ आई थी तो इस दौरान वह दूर हो जाएंगे। प्यार की गाड़ी वापस पटरी पर आ जा सकती हैं, फिर से प्यार के रंगों में रंगे दिखाई दे सकते हैं। संगी को खुश करने के लिए व्यवहार में आपको अवश्य ही परिवर्तन करने होंगे। इस राशि के वैवाहिक जातकों की बात की जाए तो इस दौरान आपके लिए अनुकूलताएँ लिए हुए हैं, क्योंकि इस दौरान आपके जीवन में रोमांचक की अधिकता साफ देखी जा सकती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन साथी को दिल की बातें खुलकर बताने में पूरी तरह से सक्षम होने वाले हैं। जीवन में काफ़ी बड़े बदलाव कर सकते हैं और आपके जीवन में खुशियों को प्राप्त करने के मौके मिल सकते हैं। गाड़ी चलाते समय सावधान रहने की स्थिति बनानी हो सकती है, खासतौर पर तेज मोड़ों पर, नहीं तो किसी भी गलती का खामियाजा आपको भुगतान करना पड़ सकता है। धन का आगमन आज कई आपको आर्थिक परेशानियों से दूर कर सकता है। पारिवारिक सदस्य का जीवन साथी तनाव की वजह बन सकती हैं। प्रेम जीवन में आशा की एक नई किरण दिख सकती हैं। खुदरा और थोक व्यापारियों के लिए अच्छा दिन होने वाला है। लोगों के साथ बात करने में आज के दिन बहुमूल्य समय बर्बाद कर सकते हैं, आशा करने से बचना चाहिए। शादीशुदा जिंदगी के तमाम मुश्किल दिनों के बाद आप और आपका हम दम फिर से गुमराहट को महसूस कर सकते हैं।